हेलो एंड वेलकम टू रेमेडियल केमिस्ट्री। तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D समझा था। अब 2D के अंदर एक और अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो चलिए देखते हैं, जिसे हम हेक्सागनल क्लोज पैकिंग के नाम से जानते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हेक्सागनल क्लोज पैकिंग इन 2D। हेक्सागनल क्लोज पैकिंग इन 2D। तो अभी तक जो हम जो पैकिंग पढ़ रहे हैं वो किस में पढ़ रहे हैं, 2D में। 2D को समझने के बाद हम किस में अप्रोच करेंगे, 3D में अप्रोच करेंगे। तो हेक्सागनल क्लोज पैकिंग इन 2D, इन शॉर्ट हम इसे क्या बोलेंगे, HCP। तो कैसे इसका नेम हमने ये रखा है और क्यों रखा गया है उसके बारे में देखते हैं। तो मैंने तुम लोगों को पहले भी कहानी सुनाई कि हमारे पास कई सारे एटम्स हैं और उन्हें हमने अरेंज करना शुरू किया। अब अगर हम एटम्स को अरेंज करते हैं, तो मैंने एटम्स को रिलेट किया था तुम लोगों से कि तुम लोग हो और तुम लोगों ने बैठना शुरू किया है, तो आप लोग एक रो में इस तरह से सेट हो गया होके, ठीक है। उसके बाद जब आपने दूसरा एटम जो आता है वो ऐसे लेके आए हो, आप ऐसे बैठना शुरू करते हो, तो कुछ अरेंजमेंट पहले वाले के कंपैरिजन में थोड़ा अलग दिखाई देता है। ये ठीक है। तो एक तरीके की पॉसिबिलिटी ये भी है कि 2D में अगर हम अरेंजमेंट की बात करें तो ऐसा हो सकता है। तो अगर हम पहली वाली लेयर को, ये जो फर्स्ट लेयर है इसे मैं बोलता हूँ ए, कि जो पहले लेयर दिखाई दे रही है मुझे स्टूडेंट्स की, उसको हमने ए बोला, क्या दूसरी लेयर पहले वाली लेयर की तरह है? तो आपका आंसर होगा सर नो। तो सेकंड वाली लेयर को हम क्या बोल देते हैं, बी। अब जो थर्ड लेयर है क्या वो पहले वाली लेयर जैसी नहीं है? तो बिल्कुल है, तो उसका आंसर होगा ए। तो अरेंजमेंट का क्या नाम रख देते हैं, ए बी टाइप अरेंजमेंट लिख देते हैं। चलिए तो सर हमने इसका नाम रख दिया ए बी टाइप अरेंजमेंट। तो यही रीज़न है कि इसे हम ए बी टाइप अरेंजमेंट क्यों कहते हैं, ठीक है। अब जैसे हम पहले भी करते हैं कि कोई सेंटर का एक एटम पिक कर लो, तो यहाँ से एक एटम हम लोगों ने पिक कर लिया, ठीक है। अब इसको कितने एटम्स टच कर रहे हैं, उन सारे एटम्स को हम टच कर लेते हैं आपस में। तो एक ये एटम टच कर रहा है, एक ये एटम टच कर रहा है, एक ये और एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। तो कितने एटम्स टच कर रहे हैं, 6। तो ये है वो 6 एटम्स। तो क्या नज़र आ रहा है तुम्हें, एक हेक्सागन बनता हुआ नज़र आ गया होगा। तो ये हेक्सागन का ये पार्ट मैं शेड कर देता हूँ। अब इसे शेड करने का क्या पर्पस है, इसे शेड करने का पर्पस ये है कि मैं आपसे पूछूं क्या ये पूरा एटम यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है, तो आपका आंसर होगा सर नो, सिर्फ इतना पार्ट जो आपने शेडेड किया है वही इसमें क्या है, इन्वॉल्व है, और ये पूरा सेंटर वाला एटम ये इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अरेंजमेंट का नाम रख दिया ए टाइप अरेंजमेंट। अब यहाँ से हम निकाल देते हैं इसकी यूनिट सेल। यूनिट सेल का क्या मतलब होता है कि इसी हेक्सागन को अगर मैं और आगे बढ़ाते रहूँ, ठीक है, ऐसे ही इसे और आगे बढ़ाया जाए और आगे बढ़ाया जाए और आगे, तो पूरा एक अरेंजमेंट बन सकता है इस हेक्सागन से। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। यूनिट सेल मैंने प्रीवियस क्लास में तुम लोगों को समझाया था अच्छे से क्या होता है। तो यहाँ पे यूनिट सेल क्या है, एक हेक्सागन है, तो सर इसकी रिपीटेशन से सारी चीज़ें होने वाली है, हेक्सागन, राइट। अब इस हेक्सागन को देखते हैं, इस हेक्सागन में ये जो एटम है इसका कंट्रीब्यूशन कितना है बताइए। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखिए, तो यहाँ से क्या नज़र आता है कि सर ये वाला जो एटम है इसके हमने 3 पार्ट कर दिए। कितने पार्ट किए, 3, 1, 2 और एक ये 3। तो एक एटम के कितने पार्ट हो गए, 3। तो इसके यूनिट सेल के अंदर इस एटम का कितना पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, तो आपका आंसर होगा सर 1/3। यानी कि इस यूनिट सेल के लिए अगर इस एटम का यूज़ पूछूं मैं आपसे, तो आप कहोगे सर 1/3 पार्ट इसका यूज़ हो रहा है। अगर एंगल के टर्म्स में कहें तो आपको पता है हेक्सागन का एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है, ठीक है, 120 डिग्री होता है, और ये नीचे 360, तो कितना आ गया,
1/3। तो ये जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 120 डिग्री है। ठीक है, नोट्स में मेंशन करेंगे इसे 120 डिग्री। तो ये पूरा टोटल कितना है, 360, तो कितना आ गया, 1/3। तो ये हो गया एंगल के टर्म्स में। तो पहली बात क्लियर हो गई कि ए ए टाइप अरेंजमेंट क्यों कहा है, यूनिट सेल हेक्सागन कैसे मिली है। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, इस सेंटर वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होने वाला है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंटर एटम, तो बताइए कितना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि किस जिस एटम की हम बात कर रहे हैं उस एटम को कितने अदर एटम्स टच कर रहे हैं। तो कितने एटम्स टच कर रहे हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया सेंटर वाले एटम का, 6 हो गया है। ठीक है, एक बात तुम्हें ये पता चल गई है। उसके बाद ये हमें एक हेक्सागन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट को हमने दूसरा नाम क्या रख दिया, हेक्सागनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागनल यानी कि इसमें जो अरेंजमेंट हो रहा है, जो पैकिंग हो रही है, वो हेक्सागन बनाते हुए, हेक्सागन बनाते हुए हो रही है। तो हेक्सागनल क्लोज पैकिंग जो हमारी हेडिंग भी है। तो इन शॉर्ट हम इसे आगे जाके हम क्या पढ़ते हैं, हमेशा HCP। तो ये दो वर्ड हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होते रहते हैं, SCP और HCP। तो ये बात क्लियर हुई। तो ये अरेंजमेंट भी आप लोगों को समझ में आ गया, हेक्सागन हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल गया। अब कॉन्ट्रीब्यूशन बाय कॉर्नर एटम बताइए कितना है, अभी हम लोगों ने मेंशन किया है। तो कोऑर्डिनेशन कॉन्ट्रीब्यूशन बाय कॉर्नर एटम, बाय कॉर्नर एटम इज 1/3, और कॉन्ट्रीब्यूशन बाय सेंटर एटम तो 1 ही होगा। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछूं आप लोगों से, टोटल नंबर ऑफ एटम्स तो बोलो भाई टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम किससे शो करते हैं, कैपिटल जेड से। तो आप कहोगे सर जो कॉर्नर वाले एटम है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/3 है, लेकिन हमें पूरा एटम नहीं चाहिए, हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 एटम है जिसका हमें सिर्फ 1/3 पार्ट चाहिए, प्लस बीच में एक सेंटर एटम भी है सर, उसका तो पूरा 1 पार्ट चाहिए। तो कितना हो गया आंसर, तो आंसर हो गया आपका 3। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने चाहिए, 3। अगर मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि तुम्हें ये हेक्सागन, ये जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने शेडेड किया हुआ है रेड मार्कर से, अगर ये बनाना है तो आपको कितने एटम्स चाहिए, तो आपका आंसर होगा सर 3। कुछ बच्चे आंसर कर देंगे सर इतने सारे एटम्स 6 हैं, एक बीच में 7 होगा, आंसर नहीं। आप लोग समझ में आ गया कि कितना पार्ट चाहिए आपको, सिर्फ इतना ही पार्ट चाहिए। तो 3 एटम से आपका काम चल जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपके स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, क्लियर हुई। अब हम इससे निकालते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट किया था किसके लिए, SCP के लिए। याद है कितना आया था, बोलो भाई याद है किसी को। तो अगर मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछूं कि बच्चों बताओ कि कौन सी पैकिंग एफिशिएंट है, कौन सी पैकिंग अच्छी है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा। इससे पहले जब SCP में कैलकुलेट किया था तो उसके लिए आया था 78.5। अब यहाँ पे देखते हैं तो सर जो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी वो पैकिंग अच्छी होगी। कि पहले तुम लोग बैठे थे, अब तुम्हारा एक नया अरेंजमेंट है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि तुम में से पहले वाला अरेंजमेंट अच्छा था या दूसरे वाला, यानी कि पहले वालों ने ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया या अब जो है। तो आप देखोगे पैकिंग फ्रैक्शन, तो पैकिंग फ्रैक्शन मैंने पहले ही बताया था कि टोटल स्पेस का कितना परसेंट हम ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि इस पूरे बोर्ड का कितना पोर्शन में यूज़ कर पा रहा हूँ। कई सारी जगह पे खाली स्पेसेस हैं, तो कैसे निकलेगा पैकिंग फ्रैक्शन कि सर टोटल बोर्ड का एरिया कितना है और आपने जो लिखा है उसका एरिया कितना है। उसे अगर हम सॉल्व कर लें तो हमें आंसर मिल जाएगा कि कितना परसेंट ऑक्यूपाई किया गया है। तो वैसे ही हमारा फॉर्मूला भी था, तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू क्या था हमारा, जैसे हम अपने मार्क्स निकालते हैं टोटल, ठीक है, तो यहाँ पर भी वैसे ही। तो एरिया ऑफ किसका एरिया आएगा यहाँ पर, हेक्सागन का, तो एरिया ऑफ हेक्सागन आएगा। ऊपर क्या स्पेस ऑक्यूपाई तुम लोग कर रहे हो ना, स्पेस ऑक्यूपाई तुम्हें मैंने क्या कंसिडर किया एज अ एटम, तो एरिया ऑफ एटम्स परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कि कितना परसेंट ऑक्यूपाई कर। तो एरिया ऑफ हेक्सागन यानी कि ये पार्ट कितना है, टोटल पार्ट इतना है। अब इसमें देखो खाली स्पेस है कुछ,
तो ये हमें पता लगाना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ एटम्स, कि ये एटम्स का एरिया कितना है, और एरिया ऑफ हेक्सागन हम निकाल लेते हैं। फिर एरिया ऑफ एटम्स, कितने एटम्स हैं आपके पास, थ्री। तो थ्री इंटू एक एटम का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ हेक्सागन। अब अगर तुम्हें एरिया ऑफ हेक्सागन निकालना है तो तुम्हें दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि सर एरिया ऑफ हेक्सागन अगर हमें निकालना है तो हम देख रहे हैं कि एरिया ऑफ हेक्सागन जो है सिक्स इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ है। ये देखिए, ये एक हेक्सागन है। अगर पॉइंट्स से सारे पॉइंट्स को मिला दो तो आप देख रहे हो कि कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं, सिक्स। तो अगर हमें इस हेक्सागन का एरिया निकालना है तो आप कह सकते हो कि सर सिक्स इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, कि सिक्स से हम सर एक के एरिया को इंटू कर देंगे। और एरिया क्या होता है बताइए, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है, रूट थ्री बाई फोर साइड का स्क्वायर। अब साइड कितनी मान लेते हैं हम यहाँ पर, ए मान लेते हैं कि इसकी जो साइड है वो कितनी है, ए है। तो कितना आ जाएगा बताइए, तो एरिया ऑफ हेक्सागन आ गया सिक्स इंटू रूट थ्री बाई फोर इंटू साइड का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर इंटू हंड्रेड, राइट। अब बस एक चेंजेस और, सर ए और आर के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा क्योंकि ये तभी कैंसिल हो सकते हैं, तो निकाल लेते हैं। अब तुम ही लोग बताओ मुझे ए और आर में क्या रिलेशन है। अभी तुम लोगों ने कहा कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ए है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस तो आर भी है, देखो अगर मैं थोड़ा सा इसे इरेज करके दिखाऊँ तुम लोगों को, ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, तो कितना कितना आ रहा है यहाँ पर। तो आपके पास आंसर है सर ए इज इक्वल टू टू आर, इसको यहाँ पे भी लिख लेते हैं। चलिए ए और आर में क्या रिलेशन है, ए इज इक्वल टू टू आर, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू, कितना आ जाएगा, तो थ्री इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन सिक्स इंटू रूट थ्री बाई फोर, ए की जगह आप रख देंगे टू आर स्क्वायर, ए इज इक्वल टू टू आर इंटू हंड्रेड। सॉल्व कर लो इसे, तो कितना आ रहा है कैलकुलेट करके बताइए ज़रा, एंड यू विल गेट द आंसर 90.6%। अब तुम इस बात का आंसर करने के लिए कैपेबल हो कि सर कौन सी पैकिंग एफिशिएंट है। अगर हम 2D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग करते हैं तो वहाँ पे हमारा रिजल्ट आता था 78 या 76, ठीक है। लेकिन अगर हम HCP यानी कि इस अरेंजमेंट की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि परसेंटेज कितना है, 90.6। तो अब कभी तुमसे पूछा जाए कि विच पैकिंग इज मोर एफिशिएंट, मोर एफिशिएंट कहने का मतलब ये है कि खाली स्पेस कम बचा है, इसका मतलब मैंने बोर्ड का ज़्यादा पार्ट यूज़ किया है इस कंडीशन में एज कम्पेयर टू बिफोर। तो जो पहली वाली सिचुएशन थी उसमें मैंने काफ़ी फ्री स्पेस छोड़ा और इसमें फ्री स्पेस बहुत कम है, ठीक है। तो इसका मतलब सर इस बार हमने ज़्यादा यूज़ किया, तो ये वाली पैकिंग क्या है, ज़्यादा एफिशिएंट है। यहाँ पर फ्री स्पेस कितना होगा, कम होगा। फ्री स्पेस कैसे निकालोगे, कभी कोई पूछे कि फ्री स्पेस कितना है तो 100 से माइनस कर दोगे, है ना। तो देखो 10 के अप्रॉक्स है ही, फिर है ना 9.4 आ जाएगा, हाँ 9.4 आ जाएगा। तो इतना परसेंट स्पेस बचा है, इतना परसेंट आपने ऑक्यूपाई कर लिया, इतना यूज़ कर लिया आपने 90, और कितना करोगे यार यूज़, ठीक है ना। तो ये वाली पैकिंग क्या है, एफिशिएंट है। तो इसी को बोलते हैं हम हेक्सागनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। तो सारी बातें अच्छे से समझकर ध्यान में रखोगे तो 2D के अंदर यही दो अप्रोच थे, SCP और HCP। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी उसमें हम इन्हीं को 3D में लेकर चलेंगे। अभी तक तो हमने सब कुछ 2D में समझा है, बट इन रियलिटी 2D में तो नहीं होते ना हमारे सॉलिड स्टेट तो क्या है, 3D है। बट 3D में जंप करने से पहले हमें 2D का एक अच्छा आइडिया होना चाहिए, जिससे हम 3D का जो है थोड़ा सा ईजी हो जाए हमें समझने के लिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में फिलहाल इतना ही। तो वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, चैनल में नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ भी शेयर करें।